आप लोग भी कतर जा सकते हैं और कतर जाकर आप लोग महाना कमा सकते हैं। 1,25,000 रुपए। मजदूर हजरात गौर से मेरी बात को सुन ले। तो आप लोगों ने इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है, फुल डिटेल आप लोगों को देगी सिर्फ और सिर्फ महनूर, ठीक है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को फुल वॉच करना है और किस तरह कतर जाएंगे, क्या डिटेल है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब आप लोगों को मिलने वाली है इस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको प्यार भरा सलाम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ कतर का वर्क वीजा। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग कैसे कतर जा सकते हैं, और टाइटल तो आप लोगों ने थंबनेल भी पढ़ लिया होगा और टाइटल भी पढ़ लिया होगा। तो मैं आज आप लोगों को वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट देने वाली हूँ कि कतर में काफ़ी सारी जॉब्स आई हुई हैं, ठीक है। अब किन किन की जॉब्स आई हुई हैं और क्या उनकी सैलरी है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, वो सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। मैं हूँ महनूर और आप लोग देख रहे हैं महनूर 444, ठीक है। आप लोगों का बहुत प्यार मुझे मिल रहा है, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप मुझे प्यार मोहब्बत देते रहिएगा। तो आप लोग कंटिन्यू रहे इस वीडियो के साथ। अच्छा, तो बात करते हैं इस वीजे के लिए फ्रेश और रिटर्न दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, इसके लिए पठान हजरात तो बिल्कुल भी इस वीज़े के लिए मना है। अब ये कौन कौन सी जॉब्स हैं वो भी मैं अभी आप लोगों के साथ बताने जा रही हूँ। शटरिंग सेटल की हो गई, और इसमें प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, सेकंड इसमें एसी टेक्नीशियन हो गया, या किसी भी ट्रेड के साथ हेल्पर, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया कि किस किस की वैकेंसियाँ आई हुई हैं। अब इसकी जो तनख्वाह है, तनख्वाह में आप लोगों को बताने जा रही हूँ, आप लोगों ने बड़े गौर से सुनना है। इसकी जो तनख्वाह है वो है 1300 रियाल, ठीक है। ओवर टाइम भी है अगर आप लोग करना चाहें तो। पाकिस्तानी 1 लाख और टाइम के साथ 1,25,000 रुपये आप लोग कमा सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई करना। हाँ, अगर आप लोग मुझसे ये वीज़ा परचेज करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को ये वीज़ा दे सकती हूँ, ठीक है। 25 से 30 दिन का टाइम होगा और आप 25 से 30 दिन के अंदर कतर रवानगी कर लें, ठीक है। तो आप लोग मुझसे ये वीज़ा इजीली परचेज कर सकते हैं। अब आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा इंस्टा का लिंक मिलेगा, आप लोग वहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हैं और वहाँ से मुझसे जो इजीली है वीज़ा परचेज कर सकते हैं। जो डिटेल चाहिए वो मैं आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। उससे हटके ड्यूटी टाइम 8 घंटे का है और बाकी जो है वो ओवर टाइम, आपकी मर्जी। अब उम्र की हक पूछते हैं कि उम्र कितनी होनी चाहिए। अब सारी डिटेल तो मैं आप लोगों के साथ प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अब इसके लिए उम्र कितनी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, तो उम्र इसके लिए 21 साल से 35 साल तक का मैक्सिमम अप्लाई होगा वीज़ा। इतनी उम्र होनी चाहिए है। रिहाइश मेडिकल ट्रांसपोर्ट बमा कंपनी, ठीक है, जो कंपनी आपको बुलाने वाली है वो कंपनी आप लोगों की रिहाइश और ट्रांसपोर्ट मीन के सब कुछ वो उठाएगी, ठीक है। और रही बात अप्लाई, 25 दिन में आप लोग जा सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम कैसे जाएंगे, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये वीज़ा आप लोग मुझसे भी परचेज कर सकते हैं। और ये वैकेंसियाँ बड़ी ज़बरदस्त हैं, जो कि हेल्पर हजरात हैं और जो कि बेचारे मजदूर हैं, वो यहाँ पे पाकिस्तान में तो इतनी कोई ख़ास उनकी नहीं है तनख्वाह। जैसे अगर एक दिहाड़ी पेशा बंदा है तो वो कितने मंथ के कमा लेता होगा, 30 नहीं तो 60 कमा लेता होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसकी डेली की दिहाड़ी 1,000-1,200 से 1,500 तक है। अब महीने के अगर लगाए जाए तो वही मैं सही बता रही हूँ ना, 50 से ऊपर बनते हैं, अगर 1,500 भी है
तो ये है कि आप लोग इजीली बाहर कतर के लिए अप्लाई करें और वहाँ पे जाएं, अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं। अब जब आपको पाकिस्तानी 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं और मिल रहे हैं, तो वो बेटर नहीं है? अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं। 8 घंटे आप लोगों ने काम करना है, और फिर आप लोगों ने ओवर टाइम अगर करना है तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है। ओवर टाइम के साथ आप लोग कमाएंगे 1,25,000 रुपये। और ये वैकेंसी आप कितने दिन में आप प्रवास कर सकते हैं, कितने दिन में आप जाएंगे, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, सिर्फ 25 से 30 दिन के अंदर मैं आप लोगों को वीज़ा इशू करवा दूँ। तो आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अगर महानूर के चैनल पर आए हैं तो वीज़ा अपडेट्स आप लोगों को यहाँ पे मिलती रहेंगी, और बिल्कुल बिल्कुल ऑर्गेनिक, ठीक है? कोई फेक नहीं, वीज़ा मैं खुद आप लोगों का इशू करवाऊंगी, ठीक है? तो आप लोगों ने जो भी डिस्कशन करनी है, आकर आप लोगों ने मेरे इंस्टा को ज्वाइन करना है, और वहां पर आप लोगों ने मुझसे जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग वहां पर पूछ लीजिएगा। इससे हटके और भी कई वैकेंसियां आई हुई है, मैं अपनी और वीडियोस के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करती रहा करूँगी। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाती, सिंपल डिटेल में आप लोगों को देती हूँ और ऑर्गेनिक डिटेल देती हूँ। बहुत से चैनल्स हैं ऐसे कर ले वैसे कर ले वैसे कर ले, बट वो फेक भी बातें बताते हैं कि ऐसे चले जाएं वैसे चले जाएं, नहीं हो पाता, ठीक है? तो मैं आप लोगों को बिल्कुल ऑर्गेनिक बात बता रही हूँ। आप लोग मुझसे वीज़ा परचेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी वैकेंसी के साथ। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।